पृथ्वी से बाहर निकलते ही सौर मंडल में बचे सातों ग्रहों में हमें जो ग्रह अपनी ओर सबसे ज्यादा आकर्षित करता है उसमें मंगल ग्रह सबसे ऊपर है, जिसके वैसे तो बहुत से पहलू हैं जिनके बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में बात की हुई है। अब उन सभी पहलुओं में से अलग एक और ऐसा पहलू है जिसे भविष्य में मानव जाति यहाँ पहुंचकर सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहेगी। भला कौन ऐसा ज्वालामुखी नहीं देखना चाहेगा जो हमारी छोटी सी पृथ्वी पर मौजूद ऊंची ऊंची चोटियों को बौना साबित करता हो। मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स में आपका स्वागत है। 21,900 मीटर की ऊंचाई के साथ यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 3 गुना ऊंचा है। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर के साथ हिमालय पर्वतों में सबसे ऊंचा है। ओलंपस मॉन्स केवल सौर मंडल में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर आकर नहीं रुकता, बल्कि मंगल ग्रह का यह चमत्कार अमेरिका के एक राज्य एरिजोना के आकार के बराबर के क्षेत्र को भी कवर करता है। इसका विशाल आधार यानी बेस तकरीबन 624 किलोमीटर जितना तक चौड़ा है। ये वाकई इतना बड़ा है कि यहाँ पृथ्वी पर एक देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को आसानी से ढक देगा। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि इसके इतने बड़े होने का क्या रहस्य है। तो दरअसल बात ये है कि मंगल ग्रह में पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है जो कि गतिमान हो, इसीलिए मंगल पर एक ज्वालामुखी एक ही जगह पर लावा उगलता रह सकता है जिसे वो खुद को इतने विशाल अनुपात में बना सकता है। अनुमान है कि ओलंपस मॉन्स केवल कुछ मिलियन वर्ष पुराना है। यह अभी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी हो सकता है जिसके फटने की संभावना है। इस ज्वालामुखी की चोटी पर आखिरी विस्फोट तकरीबन 2.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अब अगर आप कभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर थोड़ा भी बड़ा महसूस कर रहे हो तो बस याद रखें कि मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी है जो आपको और हमारे पूरे ग्रह को थोड़ा छोटा महसूस करा सकता है। आह, बुध यानी मरकरी, वो ग्रह जो सौर मंडल में सबसे आगे सूर्य के सबसे करीब है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सूर्य को लगभग चूमता हुआ ये ग्रह सूर्य की कितनी अपार ऊर्जा को झेलते हुए लगातार तपता रहता होगा। वास्तव में इसके दिन का तापमान कुछ ही सेकंड्स में एक पिज्जा को जला सकता है। हालांकि यहाँ ये ग्रह हमें बहुत हैरान भी करता है। आप शायद यकीन न करें लेकिन मरकरी पर कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ खड़े होने पर आप तुरंत जम जाएंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस छोटे से ग्रह में सूर्य की गर्मी को पूरे ग्रह तक फैलाने के लिए पर्याप्त वातावरण मौजूद नहीं है, इसीलिए ग्रह पर सीधी धूप वाले क्षेत्र तो गर्म हो सकते हैं, लेकिन इसी ग्रह में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो हमेशा से छाया में रहते हैं, विशेष रूप से इसके ध्रुवों के पास कई गहरे गड्ढों में कभी भी दिन की रोशनी पहुँचती ही नहीं है। इन अंधेरे कोनों और दरारों में तापमान हड्डियां कपां और जमा देने वाली हद तक गिर जाता है। इसीलिए अगर आपने कभी सूर्य को अपना पड़ोसी बनाकर फ्रीजर बिजनेस स्थापित करने की कल्पना की हो तो मरकरी के ध्रुव आपके लिए एक अच्छी जगह हो सकते हैं। बस अपने सनब्लॉक और ऊनी दस्तानों दोनों को पैक करना याद रखेगा। हमारा सौर मंडल जैसे कि मरकरी उदाहरण देता है, कई ऐसे शानदार आश्चर्यों से भरा पड़ा है। अब सीधे चलते हैं मरकरी से हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर की ओर, जो तकरीबन 95 ज्ञात चंद्रमाओं को अकेले संभाले हुए है। इन चंद्रमाओं में से भी इसके 4 बड़े चंद्रमा आयो, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा वैज्ञानिकों की नजरों में हमेशा बने रहते हैं, इनमें भी खासकर यूरोपा। क्या आप जानते हैं यूरोपा की इस सुंदर और शांत बर्फीली सतह के नीचे एक रोमांचक रहस्य छिपा है, एक विशाल घूमता हुआ महासागर। संभव है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी पानी की मात्रा का 2 गुना, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यह मीलों मोटी बर्फ की एक परत के नीचे छुपा हुआ है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प पता है क्या है, यूरोपा का यह भूमिगत विशालकाय महासागर शायद जीवन की मेजबानी कर रहा हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जिस एलियन जीवन की तलाश हम हजारों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद तारों के इर्द गिर्द मंडराती दुनियाओं में कर रहे हैं, वह एलियन जीवन सैकड़ों किलोमीटर दूर इस छोटी सी दुनिया के गहरे महासागरों में ही फल फूल रहा हो। हमारे सौर मंडल की इस विशालता में सैटर्न सभी ग्रहों में एक अलग ही पहचान बनाए रखता है अपनी इन खूबसूरत रिंग्स के चलते। ऐसे ही इसे पृथ्वी के बाद सौर मंडल का सबसे खूबसूरत
ग्रह नहीं कहा जाता है। अब हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष एकदम शांत है, वहाँ कोई आवाज नहीं है, लेकिन सैटर्न के यह विशाल छल्ले यानी रिंग्स एकदम अलग हैं। यहाँ हमें कैसिनी अंतरिक्षयान का धन्यवाद कहना चाहिए, जिसने एक इंटरस्टेलर ऑडियो इंजीनियर की भूमिका निभाई। कैसिनी अंतरिक्षयान के चलते हम यह खोज कर पाए कि सैटर्न की रिंग्स बहुत ही खूबसूरत ध्वनियों की एक श्रृंखला को पैदा करती हैं। सिर्फ रिंग्स द्वारा पैदा होने वाली ध्वनियों को ही नहीं, कैसिनी अंतरिक्षयान ने सैटर्न को ऑर्बिट करते हुए दूसरी कई अन्य प्रकार की ध्वनियों को भी सुना था। यह ध्वनियाँ कुछ इस प्रकार हैं। अगली बार जब भी आप रात के आकाश की ओर देखें, तो यह याद रखें कि पृथ्वी से करोड़ों मील दूर सैटर्न न सिर्फ अपने खूबसूरत छल्लों की वजह से ग्रहों में सबसे विशेष स्थान रखता है, बल्कि अलग अलग ध्वनियों की वजह से भी यह सबसे खास है। शुक्र यानी वीनस। पहली नजर में ये ग्रह पृथ्वी की ग्लैमरस जुड़वा बहन लग सकती है, क्योंकि ये दोनों ग्रह लगभग एक ही आकार के हैं और वीनस अक्सर सूर्यास्त के बाद या सूर्य उदय से ठीक पहले चमकता दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से आसानी से आप वीनस ग्रह को क्षितिज की ओर चमकता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, उस चमकते मुखौटे के नीचे इस ग्रह का एक विषैला व्यक्तित्व छिपा है। इस ग्रह को देखते हुए कल्पना करें कि हमारी पृथ्वी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये ग्रह कुछ ऐसा सा है, ऐसा वातावरण जिसमें 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और तो और जो सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरा है, जो हमारी पृथ्वी पर चलने वाले सबसे भयंकर तूफानों को भी महज बूंदा बांदी जैसा बना दे। और अगर आप अब भी वीनस पर एक अच्छे हवादार दिन की कल्पना कर रहे हैं, तो फिर से सोचें, इस ग्रह की सतह का तापमान इतना गर्म है कि सीसा तक पिघला सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। रात के आसमान में वीनस ग्रह की यह चमक किसी को भी आकर्षित कर सकती है, मगर ध्यान रहे, यह महज आंखों का धोखा है। इस ग्रह के चमकदार आकर्षण से आकर्षित मत होइए, इसका स्वभाव उग्र है, इसीलिए अपने पिकनिक प्लान्स को पृथ्वी तक ही सीमित रखें, यही एक अच्छा विचार होगा। नेपच्यून को हमारे सौर मंडल का ब्लू जेम यानी नीला रत्न कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पृथ्वी से इसे देखने पर यह आपको शायद उतना आकर्षित ना लगे, लेकिन यह रोमांच चाहने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, तो जरा उन हवाओं के बारे में ख्याल कीजिए जो किसी भयानक सपने जैसी खतरनाक गति से चलती हों, जो पृथ्वी के सबसे भयंकर तूफानों को भी गर्मियों की हल्की हवा जैसा महसूस कराती हों। जी हाँ, नेपच्यून पर ये भयानक और सीरन पैदा कर देने वाली हवाएं 2414 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक आसानी से पहुंच जाती हैं। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाले जमीनी जानवर की कल्पना करें। जी हाँ, चीता, जो दौड़ते हुए 96.6 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। यह नेपच्यून के इन भयंकर तेज झोंकों की तुलना में बिल्कुल सुस्त प्रतीत होगा। तो नेपच्यून पर विंड सर्फिंग भूल जाओ। अगर तो आप नेपच्यून के भयानक वायुमंडलीय दबाव और ठंडे तापमान का सामना कर सकते हैं, तब तो आप इस ग्रह पर विंड सर्फिंग 2.0 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अफसोस, जब तक हम अपने एक्सट्रीम स्पेस टूरिज्म पैकेजेस को परफेक्ट नहीं बना लेते, तब तक हमें पृथ्वी की सुरक्षित और बहुत कम हवा वाले वातावरण और दूरी से ही नेपच्यून की सुपरसोनिक हवाओं की प्रशंसा करनी होगी। चलिए अब वापस सैटर्न ग्रह की ओर चलते हैं, जिसकी परिक्रमा एक खूबसूरत सा पिंड कर रहा है। यह सैटर्न का चंद्रमा टाइटन है। सैटर्न के चंद्रमा टाइटन पर आपको अपने समुद्री तटों पर इस्तेमाल किए जाने वाले तौलिए को किसी थर्मल कंबल से बदलना पड़ सकता है। हम पृथ्वी वासियों को यहाँ पृथ्वी पर गर्मियों की छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए उपयुक्त शांत पानी की झीलें और समुद्र तट प्राप्त हैं। टाइटन एक और ऐसा पिंड है जो आपको गर्मियों की छुट्टियों में कई ज्यादा चिल यानी ठंडा अनुभव करा सकता है। इस रहस्यमय चंद्रमा को पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड होने का भी गौरव प्राप्त है, जिसकी सतह पर लगातार तरल मौजूद रहता है और बहता रहता है। लेकिन एक मिनट, अभी से अपना स्विम सूट पैक ना करें, क्योंकि पानी की बजाय टाइटन की झीलें और नदियाँ तरल मीथेन और इथेन से भरी पड़ी हैं, जो किसी भी तैराक के लिए एक भयानक ठंडा अनुभव सुनिश्चित करती हैं। कल्पना करें एक ऐसी सिचुएशन की
जिसमें आप टाइटन की नदियों और झीलों के किनारे छुट्टियों के दौरान बैठे हैं, जहां आपको सिर्फ सुंदर नजारे देखने को मिल रहे हैं बिना किसी सनबर्न की चिंता करें। लेकिन टाइटन पर छुट्टियों के दौरान जाने का विचार करने से पहले यह याद जरूर रखें कि टाइटन पर इस फ्रीजिंग मीथेन से आपको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। जुपिटर का द ग्रेट रेड स्पॉट एक टिपिकल वेदर फोरकास्ट से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, यह सही मायनों में सभी तूफानों का दादा है। यह कुछ ऐसा है जैसे जुपिटर ने 4 शताब्दियों पहले एक तूफान पार्टी की मेजबानी की थी और ग्रेट रेड स्पॉट वह मेहमान है जो अभी तक नहीं गया है। यह विशाल तूफान आज भी एक पूरी पृथ्वी को निगल सकता है, बावजूद इसके तब भी थोड़ी जगह रह जाएगी। इस भयानक तूफान के आगे हमारे सबसे भयानक तूफान भी हल्की हवाओं की तरह दिखने लगते हैं। कम से कम 400 वर्षों से घूमते हुए कहीं जुपिटर का यह तूफान किसी कॉस्मिक दीर्घायु रिकॉर्ड का लक्ष्य तो नहीं बना रहा है। वैज्ञानिक आज भी इसके इस वाइब्रेंट कलर के सटीक कारण को लेकर अपना सिर खुजा रहे हैं। वेल, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी तरह ग्रेट रेड स्पॉट निश्चित रूप से जानता है कि अंतरिक्ष की इस विशालता में खुद पर ध्यान केंद्रित कैसे करवाना है। हमारे सौर मंडल के सुदूर इलाकों में प्लूटो, जो कि कभी 9वां ग्रह था लेकिन अब इसे प्यार से बौना ग्रह कहा जाता है, एक रोमांटिक रहस्य को छुपाए हुए है, एक विशाल दिल के आकार का ग्लेशियर। प्लूटो के खोजकर्ता क्लाइड टॉम्बोग के सम्मान में इसका नाम टॉम्बोग रेजियो रखा गया। वेल, प्लूटो पर यह बर्फीली संरचना महज एक कॉस्मिक वैलेंटाइन डे कार्ड नहीं है। लगभग 1609 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली यह संरचना नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन बर्फ से मिलकर बनी है। यह वास्तव में प्लूटो की ठंडी और जटिल सतह का एक प्रमाण है। माना जाता है कि प्लूटो पर मौजूद इस दिल का बायां हिस्सा, जो स्पुतनिक प्लैनेटिया नाम से जाना जाता है, इस बर्फीले मिश्रण से भरा एक विशाल प्रभाव वाला बेसिन है। दिलचस्प बात यह है कि यह दिल इसके नीचे भूमिगत महासागर को छिपाए हो सकता है। तो अब अगली बार जब कोई दावा करे कि अंतरिक्ष भावनाहीन यानी इमोशनलेस है, तो बस उन्हें याद दिलाएं कि दूर स्थित प्लूटो भी अपना बड़ा दिल अपनी सतह पर रखता है। जब कोई ग्रहों के बारे में सोचता है तो सूर्य की परिक्रमा करते हुए प्रभावशाली पिंडों के नजारे अक्सर दिमाग में आते हैं, और फिर उन्हीं में से एक है यूरेनस, जो हमारे सौर मंडल में न जाने क्यों फिट बैठता नजर नहीं आता है। सौर मंडल में किसी भी दूसरे ग्रह से अलग यूरेनस एक खराब बॉलिंग बॉल की तरह घूमना पसंद करता है। तकरीबन 98 डिग्री के विशाल अक्षीय झुकाव के साथ यूरेनस सूर्य की परिक्रमा साइड से करता है, जैसे कि वह लगातार एक कॉस्मिक नैप लेने की कोशिश कर रहा हो। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह विशाल अजीब अक्षीय झुकाव यूरेनस को एक खगोलीय पिंड के टकराव से मिला हो सकता है, जो यूरेनस से बहुत पहले टकराया होगा। इस खगोलीय पिंड का आकार हमारी पृथ्वी जितना तक रहा होगा, जिसके नतीजे में सौर मंडल को एक ऐसा ग्रह मिला जो लगातार किसी शर्मनाक दुर्घटना से उभरने की कोशिश कर रहा हो। पूरे सौर मंडल में अपने अटपटे अक्षीय झुकाव के साथ यूरेनस सबसे अलग नजर आता है। खैर, यूरेनस हमारी सेलेस्टियल फैमिली की अजीब भूमिका के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए परेशान नहीं है, लेकिन अपने इस अजीब बर्ताव के चलते यह हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब जरूर रहा है। इन 10 तथ्यों को जानकर तो ऐसा ही लगता है कि हमारा सौर मंडल कई अजूबों से भरा पड़ा है, और यह सच भी है। इन 10 तथ्यों में से वह कौन सा तथ्य है जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करने के साथ। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय गाइज, टेक केयर, जय हिंद।